सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। आज हम जानेंगे कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हिंदी टाइपिंग करने के दो सबसे बेहतरीन तरीके, जिससे अगर आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग नहीं भी आता है तो आप एक मिनट के अंदर सीख जाएंगे कि कंप्यूटर में आप हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर में हिंदी में लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, तो इन दोनों तरीके में से जो भी आपको पसंद आए उसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए, हिंदी टाइपिंग जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में होता कैसे है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एमएस वर्ड उसे ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है नॉर्मल सभी कंप्यूटर में होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। और अगर आपके कंप्यूटर में नहीं भी है तो भी आप जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं हुआ, तो चलिए एक बार फिर से कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर था वो, ये एमएस वर्ड, तो ये ओपन हो गया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके, ये देखिए यहाँ पे जो रिबन वार है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं मिनिमाइज द रिबन कर देता हूँ, इस चेक को हटा देता हूँ, तो ये आ गया। और इसे फिर से हटाना है तो फिर से राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे चेक लगा दीजिए मिनिमाइज द रिबन, तो रिबन वार जो है वो ऊपर हाइड हो जाता है, छिप जाता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से मैं इसे ले आता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे टाइपिंग कैसे करते हैं आमतौर पे। देखिए, कंप्यूटर में हिंदी में टाइप करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचें कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे कंप्यूटर में अभी इस वक्त जो है हिंदी टाइपिंग मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो हिंदी कंप्यूटर में आप कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने साइज़ थोड़ा बढ़ा लिया, अब मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से, ठीक है। आप ये मैंने लिखा इंग्लिश में और स्पेस दूंगा तो देखिए यहाँ पे हिंदी में बदल गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये मैंने लिखा मुझे, ठीक, ये बन गया देखिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिखा आप मुझे कॉल, ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉल इस तरह से आ गया, कॉल। उसके बाद मैंने लिखा कर सकते, देखिए सकते मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिखाता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये अक्षर आपको दिखाता है कि आपको इनमें से कौन सा लेना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सकते जो लिखना है हमें वो ऊपर वाला नहीं चाहिए, हमें नीचे वाला चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे माउस क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड में एरो बटन से जो है इस पर आ सकते हैं, इस तरह से एरो बटन दबा के इस पर आ गए और उसके बाद स्पेस दे देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे मैं ऊपर वाले पे इस पर गया और उसके बाद मैं स्पेस दे देता हूँ तो ये आ गया। उसके बाद है, देखिए ये आ गया और एंटर करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा वर्ड लिख गया, यहाँ पे सेंटेंस बन गया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो हिंदी में जानते हैं कि फुल स्टॉप जो है एक डंडा सा होता है ना सीधा, तो उसके लिए शिफ्ट बटन के साथ जो है वो डंडा आपके कीबोर्ड में एंटर बटन के ऊपर में बना होगा, उस बटन को दबा दीजिए, तो देखिए ये आ गया इस तरह से। तो ये आप इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं, ये था पहला तरीका। अब ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा है इनपुट टूल के मदद से, ठीक है। ये हिंदी सबसे सिंपल हिंदी है, कोई भी लिख सकता है, आसानी से लिख सकता है यूनिकोड में, ठीक है। इसे हम कहते हैं यूनिकोड में, यानी कि अभी हम किस में टाइप कर रहे हैं, यूनिकोड में। एक होता है जो पहले लोग करते थे कंप्यूटर में, अभी भी करते हैं बहुत सारे जगह लोग, तो उसे कहते हैं हम कृतिदेव फॉन्ट, ठीक है, कृतिदेव या फिर मंगल फॉन्ट। तो देखिए कृतिदेव फॉन्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कृतिदेव फॉन्ट, ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कृतिदेव फॉन्ट, तो कृतिदेव फॉन्ट देखिए यहाँ पे आ गया, कृतिदेव 10, ये फॉन्ट का नाम है। इस पर क्लिक करके जब आप टाइप करेंगे तो आपको जो है हिंदी याद होना चाहिए, यानी कि कीबोर्ड के किस बटन में कौन सा हिंदी का अक्षर छिपा हुआ है वो आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और ये टाइपिंग आपको सीखना पड़ेगा। इसे सीखने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 6 महीने का टाइम जो है लगेगा, तभी आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे और तभी कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो मैंने हिंदी बताया आपको, ये जो है यूनिकोड है और सबसे सिंपल और सबसे आसान है। इसे आप
बिल्कुल मत सीखिए इसे, जो है सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैं अभी बताऊंगा, उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये जो है कृति देव में होता है, तो कृति देव जो है अब हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है वो काम करेंगे जो जल्दी हो सकता है। कृति देव में सीखने में भी टाइम लगता है और इसमें गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं, क्योंकि आपको हिंदी में सारे वर्ड पता नहीं होगा कि कहाँ पे हमें आधा अक्षर लिखना है, कहाँ पे बिंदी लगानी है। अगर हिंदी अच्छे से नहीं आता है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक उसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको ही लिखना है, इसमें हिंदी में टाइपिंग करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप इंग्लिश में अक्षर लिखेंगे और जैसे ही स्पेस देंगे तो वो हिंदी में जो है बदल के आ जाता है। तो अब चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ये सेटिंग अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर में आपके इंटरनेट चलना चाहिए, और इंटरनेट पे जाइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल में। देखिए सर्च क्या करना है, ये लिंक आपको ओपन करना है, ये लिंक है एक, ठीक है, इस लिंक को ओपन करना है। अब ये लिंक आप ओपन कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, ओपन कैसे करेंगे आप इसे। इसे ओपन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, इसका लिंक दे दिया। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल, इसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल। पहले एक था गूगल इनपुट टूल, वो अब बंद हो गया है, ठीक है, उसे जो है ऑनलाइन ही चला सकते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है उसकी जगह आ गया है माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल के मदद से आप कंप्यूटर में आसानी से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, ये लिंक ओपन करना है, और ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके इस पे आ जाएंगे आप, और इस पे आने के बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ पे दिया है डाउनलोड नाउ, और यहाँ पे नाम दे रखा है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मर, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे साइट पे क्या होता है, जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो इस साइट पे देखेंगे बहुत सारे जगह डाउनलोड बटन होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी डाउनलोड बटन है, लेकिन ये ऐड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कहीं और पहुँच जाएंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा। आपको कौन से बटन पे आना है वो ध्यान कीजिए, आप पहचान कर लीजिए, इस बटन पे आना है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 3.8 MB यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा, तो वेट कीजिए, वो डाउनलोड जो है शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शुरू हो गया, देखिए यहाँ पे ये यह डाउनलोड हो रहा है। बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे है ना 3 MB कुछ का है, तो ये यह डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, अब इसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी इसको इंस्टॉल नहीं करना है, अभी एक चीज़ और आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर जो है एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से काम करता है आपके कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर में एक और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, देखिए ये जो है इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, ये जो इनपुट टूल है ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसे सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर डॉट नेट। अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं है तो ये जो है काम नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं होगा, ये जो इनपुट टूल है माइक्रोसॉफ्ट का ये इंस्टॉल नहीं होगा आपके कंप्यूटर में। तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट का ये जो यहाँ पे 4 वर्जन का दिया हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब इसे डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ तरीका आपको डाउनलोड करने का। देखिए ये भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड ऑटोमेटिक जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये डाउनलोड ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अगर शुरू नहीं होता है तो यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क, उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल को, इसको, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.4, ये 4 पॉइंट का है, ठीक है, इंस्टॉलर का। तो इसे जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं डाउनलोड बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और लैंग्वेज में मैं बता दूँ यहाँ पे इंग्लिश ही रखना है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज चुनना नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये किसको सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करेगा इनपुट टूल को, ठीक है, हिंदी वाले को। तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए ये डाउनलोड यहाँ पर शुरू हो गया डॉट नेट
फ्रेमवर्क, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है और उसके बाद इनपुट टूल को इंस्टॉल करना है, उसके बाद हिंदी टाइपिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, मैं यहाँ विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जो लिंक दिया है वो विंडोज 7 के लिए दिया है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है या फिर कोई और विंडो है तो उसके लिए आप जो है गूगल पर सर्च कीजिए कि इस कंप्यूटर में या इस सिस्टम के लिए कौन सा डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए। या एक आसान सा तरीका और बताता हूँ मैं, वो आसान सा तरीका क्या है कि सबसे आसान है कि आप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का इनपुट टूल डाउनलोड कीजिए और इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा। अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा आपके कंप्यूटर में तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। ये बताएगा आपको कि इतने पॉइंट इतने का फ्रेमवर्क आपके कंप्यूटर में नहीं है, इसे जो है डाउनलोड करें। तो वहाँ पर एक विंडो का मैसेज बॉक्स बीचों बीच बिल्कुल जो है ओपन होगा, ठीक है। तो उसे जो है पढ़ लीजिए आप कि उसमें कौन सा वर्ज़न मांगा है, उसे जो है गूगल पे यहाँ पे सर्च कीजिए और उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिए, अब इसे इंस्टॉल कैसे करना है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं और इसे भी कर देते हैं। अब आपको जाना है अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर में जाने के लिए यहाँ डेस्कटॉप पर ये जो ऑप्शन है कंप्यूटर का, इस पर क्लिक करके इसके अंदर डाउनलोड में यहाँ पहुँच सकते हैं। या आप एक तरीका और है कि अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्यूटर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में इसमें पहुँचिए। इसमें जाने के बाद देखिए जो भी कुछ आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे इंटरनेट के थ्रू वो आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर में जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो इसे इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए, यस कीजिए। ये पूछेगा आपसे यस करने को, तो एक विंडो ओपन होगा जिसमें यस करना होगा आपको, ठीक है। तो दो ऑप्शन हो गया, एक विंडो ओपन होगा आपके कंप्यूटर में और दो ऑप्शन देगा आपको, यस और नो। तो यस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये कुछ ही मिनट लेगा आपके कंप्यूटर में और ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट चलना चाहिए, ये इंटरनेट से इंस्टॉल करेगा अपना जो सॉफ्टवेयर इसको चाहिए वो अपने आप जो है इंस्टॉल कर लेगा ये। तो देखिए ये जो है इस तरह से आपके कंप्यूटर में भी एक बॉक्स खुलेगा जब आप गूगल इनपुट टूल को इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर में डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है तो गूगल इनपुट टूल जो है इस तरह का एक बॉक्स ला के देगा और यहाँ पर रेड कलर में लिख के देगा कि ये जो है आपके सिस्टम में जो है नहीं है। रेड कलर या किसी भी कलर में दे सकता है डिटेल। अब मेरे में क्या कह रहा है, सेम और हायर वर्जन ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क फोर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर। ये बता रहा है कि जो मैं फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहा हूँ इस कंप्यूटर में वो पहले से इंस्टॉल है। तो अब ये कह रहा है कि क्लोज़ कर दीजिए अभी, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि पहले से है मेरे कंप्यूटर में। अब मैं इंस्टॉल करता हूँ इसे गूगल इनपुट टूल को, तो इस पर क्लिक कीजिए डबल और उसके बाद फिर से दो विंडो आएगा, उसके बाद फिर से आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, उसमें यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, ठीक है, तो ये इसका नाम है। अब देखिए ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो क्लोज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का ये डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है तो दिक्कत करेगा, तो इसके लिए क्या कीजिए, पहले इसको इंस्टॉल कीजिए कंप्यूटर में। अगर दिक्कत करता है तो आप जो इसे डाउनलोड कर लीजिए और नहीं तो आप जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो इसे मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ करता हूँ। अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं टाइपिंग करके दिखाता हूँ। ये जो पहले से मैंने टाइपिंग कर रखा है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ इसे मैं, और आपको जो है यहाँ पे नीचे टाइपिंग करके मैं दिखाऊँगा आप। तो टाइपिंग करके दिखाने के लिए जो है मैं चुनता हूँ ब्लू कलर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जब भी आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर इस पर क्लिक करके रिस्टार्ट कर लीजिए कंप्यूटर को, एक बार बंद करके फिर से ऑन कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रीबूट मांगते हैं कि कंप्यूटर एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए तो वो काम करेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे जाना है विंडो में यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे पास इंग्लिश का। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दे रहा है हिंदी, ठीक है, हिंदी इंडिया यहाँ पर आ गया। तो हिंदी पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हैं,
अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आप मोबाइल इस्तेमाल, ठीक है, करते हैं, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये डंडा लगा सकते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हिंदी आ गया। तो इस तरह से आप भी जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। और जब आपको इंग्लिश लिखना हो तो इंग्लिश कैसे लिखेंगे उसके लिए बताता हूँ। इंग्लिश के लिए फिर से इसको जो है बंद करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे HIRI लिख के हिंदी, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंग्लिश चुनना है फिर आपको, ठीक है। और फिर अगर हिंदी चाहिए तो फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर हिंदी ले लीजिए, और फिर इंग्लिश चाहिए तो फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। लेकिन क्लिक किस पे करना है वो ध्यान कीजिए, यहाँ पे ये SI जो लिखा है इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करके यहाँ पे करना है इंग्लिश, तब जाके आप यहाँ पे चाहे तो इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए कि कंप्यूटर में कैसे आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं आसानी से। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि कंप्यूटर में कैसे आप हिंदी में आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे जो है आप ऑन या ऑफ कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट तरीका है इसका ऑल्ट बटन के साथ शिफ्ट, अपने कीबोर्ड में आपको ऑल्ट बटन के साथ क्या दबाना है, शिफ्ट बटन जो है प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ जैसे ही शिफ्ट दबाऊंगा तो देखिए ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा हिंदी। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए हिंदी जो है ऑन हो गया। और जैसे ही इसको फिर से बंद करना है, इंग्लिश लेना है हिंदी को बंद करके, तो फिर से मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाऊंगा तो फिर से अपने आप इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी जो है यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बताया आपको पहला तरीका, अब दूसरा तरीका जानिए कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने का। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आप गूगल में जाइए, और गूगल का एक जो है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल इनपुट टूल, तो उसे ट्राई कीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए गूगल में, यहाँ पे सर्च करना है आपको, यहाँ पे गूगल इनपुट टूल, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको गूगल इनपुट टूल्स। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद एंटर कीजिए, और उसके बाद आपके सामने ये आएगा www.google.com/input-tools। तो इस पे जो है क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे एक विंडो खुलेगा और यहाँ पे लिखा होगा ट्राई। देखिए यहाँ पे लिखा है योर वर्ड्स योर लैंग्वेज एनीवेयर, और उसके बाद यहाँ पे दिया है ट्राई इट आउट, तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद क्या कीजिए आप, देखिए यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये खुल के आ गया। अब ये कीबोर्ड जो आया है इसे यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद हिंदी टाइपिंग करना है आपको अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ पे क्लिक करके हिंदी टाइपिंग के लिए सेलेक्ट कीजिए। क्या सेलेक्ट करेंगे, हिंदी टाइपिंग के लिए। तो हिंदी टाइपिंग के लिए क्या सेलेक्ट करना है आपको, हिंदी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे भाषा है, लेकिन आप यहाँ पे हिंदी चुनिए और हिंदी लिखने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गूगल इनपुट टूल है ये, गूगल इनपुट टूल तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, ऑन नहीं है, यानी कि चल नहीं रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का इनपुट टूल जो हमने अभी सेट किया वो काम करेगा बिना इंटरनेट के भी। तो चलिए अब इसमें टाइपिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं, और इसमें भी आपको जो है अक्षर देता है सेलेक्ट करने का। जैसे ही आप लिखेंगे कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर लिखते ही आपको बता रहा है कि कौन सा आपको शब्द चुनना है, ये पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से। तो जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे चाहिए छठा, तो छठे पे आके और मैं कर दूंगा स्पेस। तो जैसे ही स्पेस दूंगा या एंटर करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है गूगल इनपुट टूल से कर सकते हैं, ये गूगल इनपुट टूल है ऑनलाइन टाइपिंग करने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। देखिए सबसे बढ़िया टूल अगर बात करें तो सबसे बढ़िया है गूगल का। गूगल का क्या होता है, गूगल में गलती बहुत कम होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में अभी काफ़ी गलती होता है।
माइक्रोसॉफ्ट में जो गलती है वो काफ़ी होता है, तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई शब्द जो है गलत ना लिख जाए या गलत मात्रा ना लग जाए, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत कम ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर वर्ड जो है अपने आप सही आता है गूगल का, क्योंकि ये जो है उससे ज़्यादा बेस्ट है गूगल इनपुट टूल। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होगा तभी इसे आप ओपन कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो बिना इंटरनेट के ये चलेगा नहीं आपके कंप्यूटर में। तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं आप, हिंदी में या किसी भी भाषा में आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर में जब आप ये ओपन कर लेंगे तो इसे याद कैसे रखेंगे, है ना। बार बार तो खोलेंगे नहीं अपने कंप्यूटर में। तो देखिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन आता है बुक मार्क का, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। देखिए इस तरह का निशान होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और अपने कंप्यूटर में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ऐड, ठीक है। ऐड यानी कि डन, ये ऑप्शन आएगा तो डन कर दीजिए। उसके बाद ये आपके कंप्यूटर में जो है बुकमार्क हो गया। अब जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हैं बिंदी, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जाइए बुकमार्क में और यहाँ पे चले जाइए नीचे और देखिए कौन सा आपने बुकमार्क कर रखे। जैसे देखिए मैंने इतने सारे चीज़ों जो है बुकमार्क कर रखा है, तो इतने सारे चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, तो उसका नाम पढ़ लीजिए कौन सा है आपका और उसे जो है फिर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, सबसे आसान। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अभी बुकमार्क किया है गूगल इनपुट टूल, तो यहाँ पे आ रहा है गूगल इनपुट टूल, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गूगल इनपुट टूल देखिए ओपन हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है कंप्यूटर में आसानी से हिंदी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। आज हमने जाना कि कंप्यूटर में हम हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं और यहाँ हमने सीखा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने का सबसे बेहतरीन दो तरीके, जिससे हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जो है कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरह की आगे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए सब्जेक्ट गो को, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।